सादी ब्लॉग के मौजूद नाज़रीन आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज मैं पहुंच चुका हूं हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पे। आज आपको काफ़ी सारी जना स्ट्रीट के जो मेन शॉप हैं और काफ़ी सारी जगह हैं जो फेमस नहीं है और जो फेमस हैं वो सब आपको दिखाने वाले हैं। आइए मेरे साथ ज्वाइन लीजिए। आ चुके हैं हम लोग यार बिल्कुल मेन स्ट्रीट पे। यहाँ पे जो है काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई हैं। तैयब बीस है अभी स्टार्टिंग में, उसके बाद जो है काफ़ी सारे कराची आइसक्रीम गोसिया ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। आते रहो मेरे साथ, चलते रहो। और ये है जायकेदार फूड्स। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। VIP किस्म के यहाँ पे कढ़ाइयाँ वगैरह लगी हुई है, बहुत ज़बरदस्त VIP। थोड़ा सा खोल के दिखाओगे? ये देख लें आप लोग, ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त। फिर ये बिरयानी की भी जाना है, ये निकाल लें इस तरह से, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। सही। अच्छा, ये कितने की ये थाली जो है, कितने की है? 270 रुपये की है। सही है। और ये देख लें कढ़ाई में जो है काफ़ी सारे सालन वालन भुने जा रहे हैं। VIP तरीके की लोकेशन है, अभी ये ओपनिंग है और यहाँ पे ये टिक्के वगैरह चल रहे हैं, खूब सीन चल रहा है। मेरी जो प्लानिंग है ना अभी ठंडा खाने की चल रही है, तो मैं आपको अभी ना उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखें पूरी स्ट्रीट जो है बिल्कुल मेरे पीछे नज़र आ रही होगी आप लोगों को इस तरह से। अभी देखें काफ़ी सारी दुकानें जो मेन दुकानें हैं वो भी जो है बंद हुई हुई हैं। वहाँ पर भी जो है काफ़ी मज़ा आता है एक तरह से यार, यूँ समझ लें अगर VIP आइटम अगर आपको खाने हैं तो जो मेन दुकान है वो तो ही बंद हुई है। कुछ दुकानें ऐसी हैं जो खुली हुई हैं, मैं आपको और दिखाता हूँ पूरे कैमरे से। और ये देख सकते हैं हम लोग जो है बिल्कुल हुसैनाबाद की मेन शोरंग की जो होती है, जहाँ पर हुसैनाबाद का बोर्ड लगा होता है वहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है ना आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारी जो स्ट्रीट है उनकी शटर डाउन हुए हैं। अब ये तो पता नहीं हो सकता है कि रात में खुले हैं या किस टाइम पे खुले हैं। अभी जो फ़िलहाल मेरा जो माइंड था ना फ्रेंड्स, वो था ठंडा खाने का और कुछ ऐसा कि जो यार अंदर जाके ठंडक कर दे। तो मैं आ चुका हूँ बिल्कुल अल मक्का आइसक्रीम पे, बिल्कुल ये कराची आइसक्रीम के बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बराबर में। और ये देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है बहुत। और इसका मैं बोर्ड दिखा देता हूँ आप लोगों को, बोर्ड देखें, ये इसका ऊपर बोर्ड लगा हुआ है अल मक्का आइसक्रीम, थोड़ी सी अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है लेकिन अच्छा लग रहा है। फाइनली फ्रेंड्स, मैंने सोचा था आपको जो है ना ये सारी स्ट्रीट दिखाऊं, लेकिन स्ट्रीट तो यार बंद हो चुकी है, काफ़ी सारी भी क्लोज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आना होगा तो पूरी स्ट्रीट आपको डिस्कवर करूँगा। फिलहाल के लिए मुझे अभी दिल कर रहा था ठंडा खाने का और मैं पहुँच चुका हूँ अल मक्का आइसक्रीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अच्छा, ये जो आपके पास जो कोन रखे हुए हैं ये दिखाओ, थोड़ा सा खोल के दिखाइएगा। सही है। तो ये फ्लेवर में डलती है टूटी फ्रूटी और ये सारी चीज़ें? नहीं, ये उसमें डलती है, क्रंच कोन में डलती है, ये ड्राई फ्रूट में डलती है, ये क्रंच है और ये चॉकलेट। सही है, सही है, सही है, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह में डलती है ये, ठीक है। और ये कौन है? ठीक है, सही है। कितने की है ये? 60 रुपये की। अच्छा, आगे ले आओ, आगे भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई। ये आपकी ऑल ये ना आइसक्रीम्स हैं, इसके अंदर जो है ना सारे फ्लेवर वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ब्राउन और वाइट, इसका क्या नाम है? इसका नाम चॉकलेट चिप्स गिलास है, वनीला चॉकलेट नाम है। वनीला चॉकलेट। और ये टूटी फ्रूटी होगा? नहीं, ये मिक्स फ्लेवर ग्लास है। सही है। इनके प्राइसेस जो है सबके 60-60 रुपये में? इसके 80 रुपये हैं। और इसके कितने हैं? इसके भी 80 रुपये हैं, ठीक है। और जो सामने ये जो बॉक्सेस पड़े हैं, सही है, ठीक है। और इसके रेट है 230 रुपये, ठीक है, सही है। और इसके 170 रुपये, सही है, ठीक है, ठीक है। और इसका रेट है 90। सही है, इसका रेट जो है 90 रुपये। अच्छा, आपके पास जो है ये सिर्फ आइसक्रीम होती है, इसके अलावा फालूदा जूसेस वगैरह? फालूदा वगैरह होता है। तो वो आपने इसी फ्रिज में इसको डिजाइन किया हुआ है या अंदर की साइड पे? वो फ्रेश तैयार करते हैं, ऑर्डर पे तैयार होता है। अच्छा, वो ऑर्डर पे तैयार होता है, वैसे वो डायरेक्ट आपने सेल नहीं लगाई उसकी? ठीक है। तो यार अभी मुझे आपका जनाब आपका नाम क्या है बताओ, बोलना पड़ा थोड़ी जगह तो। नवेद अहमद। तो नवेद भाई, मुझे कोई ऐसी आइसक्रीम खिलाएं और ऐसी आइसक्रीम दिखाएं कि जो लोग आपके पास ज़्यादा लाइक करते हो और बहुत ज़्यादा उसकी सेल होती हो और उसका टेस्ट भी अच्छा हो, ऐसी दिखाएं। ज़्यादा लाइक तो हमारे पास आइसक्रीम लाइक करते हैं। कौन आइसक्रीम लाइक करते हैं, कौन आइसक्रीम बना दें हमें, कौन सा फ्लेवर बना रहे हैं? स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल, ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त, ये काम अच्छा हो गया, ठीक है। डिज़ाइन अच्छा दिया है आपने, अच्छा लग रहा, बहुत प्यारा। अब इसके बारे कौन सी वाली है? ब्लूबेरी मैंगो, ठीक है। ब्लूबेरी
सही। अच्छा, लोग जो है इन दोनों की कंबाइंड डिमांड करते हैं, मिक्स फ्लेवर। सही है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये नॉर्मल कोन है हमारे पास जो चलती है, 60 रुपए की है। सही है, ठीक है, ये नॉर्मल कोन है, ये आपके पास 60 रुपए की है, ठीक है। अब ये तो यार बहुत हेवी हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे जो है ना ये इसके लिए टिश्यू जो है ना बहुत ज़्यादा कसरत से यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितनी कितनी बड़ी हो गई है, इसको मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार ये ख़त्म होते होते गिरने लगेगी। थैंक यू सो मच। और बहुत ज़बरदस्त है, इसको मैं टेस्ट करता हूँ, पहले मैं यहीं से ले लेता हूँ। वाह यार वाकई मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स बिल्कुल कराची आइसक्रीम के बराबर में अलवक्का आइसक्रीम, वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने आइसक्रीम खिलाई थी। ये सामने यार बड़े प्यारे भाई हैं जिनका आपने अभी हमने जो है मेन्यू दिखा दिया, बहुत ज़बरदस्त जो है इनके डेकोरेट हुआ हुआ है। अभी तो हम खैर ये दिन के टाइम पर आए हुए हैं तो यार ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी लोग आपको दिख रहे होगा, यहाँ से फैमिलीज़ वगैरह भी निकलती हैं और खा पी के जो है ना सब यहाँ से जाते हैं। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों को दिखा दिया मैंने फ्रेंड्स कि यहाँ पे काफ़ी सारे यार शॉप्स भी थी, और जो मेरा जो दिल कर रहा था असल में मौसम के कंडीशन देख के, मौसम के हालात देख के, तो वो मेरा दिल कर रहा था क्या यार ठंडा और कुछ आइसक्रीम खाने का, और जो कि बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी लगी आइसक्रीम। आप लोग भी यहाँ पर आइए, टेस्ट कीजिए, जिन्होंने टेस्ट कर लिया वो हमें कमेंट में बताएं कि इनकी आइसक्रीम कैसी है, जो मतलब कि फ्लेवर वगैरह जो चल रहे हैं वो इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है वो भी हमें कमेंट में बताएं। तो यार जब तक के लिए मैं था आपका मेज़बान साज शेख, और खुदा हाफिज़।